अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, उम्मीद है आप सब बिल्कुल ठीक होंगे और बहुत खुश होंगे। आज मैं आपके लिए कोई रेसिपी नहीं लेकर आई, बल्कि आज मैं आपके लिए अमेजिंग सा व्लॉग लेकर आई हूँ। आज मेरे भाई की बर्थडे थी तो हमने घर में सेलिब्रेशंस की, फैमिली में की, कोई गैदरिंग वगैरह नहीं की, तो सोचा कि वीडियो क्लिप्स बनाऊँ और अपनी यूट्यूब फैमिली के साथ भी ज़रूर शेयर करूँ। तो चलिए चलते हैं वीडियोज़ की तरफ। सबसे पहले मेरा भाई स्कूल गया हुआ था, उस दौरान मैंने खाना रेडी किया, बिरयानी रेडी की और साथ ही साथ कुछ स्नैक्स वगैरह रेडी किए उसके लिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं मैं बिरयानी की के लिए मसाला बना रही हूँ यहाँ पर, और उसके बाद लेयरिंग करूँगी बिरयानी की। ये ज़रा डिफरेंट टाइप की मैंने बिरयानी बनाई थी, हमारे घर में मोस्टली तवे वाली बिरयानी बनती है। दूसरी जानिब चावलों के लिए पानी बॉईल हो रहा है, यहाँ पर मसाला रेडी हो रहा है। फिर हमने रूम को डेकोरेट किया लाइटनिंग और बैलून्स के साथ। अभी अली जो है वो स्कूल में ही था, हम उसको सरप्राइज़ देना चाहते थे। फिर उसके बाद मैंने डाइनिंग टेबल अच्छी तरीके से सेट कर दिया, बिरयानी उसकी फेवरेट बनाई, चिकन उसको बहुत ज़्यादा पसंद है, और फिर केक ओपन किया, फुल चॉकलेट केक भी उसको बहुत पसंद है, आज सब कुछ उसके पसंद का था। अब मैं यहाँ पर कैंडल्स लगा रही हूँ। माशाल्लाह से अली 12 साल का हो गया है, वो हम में से सबसे छोटा है, इसलिए हम उसका ज़रा ज़्यादा लाड़ उठाते हैं। फिर हमने भाई को सरप्राइज़ किया, आप देख सकते हैं लाइटिंग ऑफ है, उसकी आंखों पे पट्टी बांधी हुई है, वो स्कूल से थोड़ी देर पहले ही वापस आ गया था। उसको बहुत अच्छा लगा और हमें उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा। फिर हमने केक कट किया, यहाँ पर आप देख सकते हैं अली केक कट कर रहा है। यहाँ पर उसने कैंडल नहीं बुझाई, वो भूल गया था, तो फिर दोबारा से मुझे वो सीन शूट करना पड़ा। केक कट हो चुका है, अब ये पापा को खिला रहा है केक, सारी फैमिली अपनी सिस्टर्स को।
अब आखिरकार उसको याद आई गया कि मुझे पहले कैंडल बुझानी चाहिए थी, लेकिन कोई बात नहीं। फिर इसने कैंडल बुझाई और दोबारा से हम सबको केक खिलाया डबल शिफ्ट में। यहाँ पर मैं वीडियो शूट कर रही थी और इसने मुझे भी साथ में खिलाया। केक वाकई बहुत ज़्यादा मज़ेदार था। अब बारी बारी सबने गिफ्ट दिए। सबसे पहले पापा ने गिफ्ट दिया, फिर मामा ने, फिर बाकी सब सिस्टर्स ने गिफ्ट दिया। और ये गिफ्ट मेरी तरफ से था, मैंने उसको परफ्यूम गिफ्ट किया। हमें ये छोटी छोटी खुशियाँ जब भी आती हैं इसको ज़रूर ज़रूर सेलिब्रेट करना चाहिए, क्योंकि इस स्ट्रेस के दौर में, इस हेक्टिक लाइफ के दौर में हमें छोटी छोटी खुशियाँ तलाश करनी चाहिए और अपनी लाइफ को रिफ्रेश करना चाहिए। अब गिफ्ट देने की मेरी बारी थी। बड़ी मुश्किल से मैं उस तक पहुंची क्योंकि नीचे सारे बैलून्स थे, और फाइनली मैं पहुंच ही गई और उसको गिफ्ट दे दिया। उसके बाद अली ने गिफ्ट्स ओपन किए। हमने कोई घर में गैदरिंग वगैरह नहीं की, बाहर से किसी को भी नहीं बुलाया, सिर्फ हम फैमिली मेम्बर्स ने आपस में इसकी खुशी के लिए बर्थडे को सेलिब्रेट किया। अब चलिए देखते हैं गिफ्ट्स में क्या क्या था। पापा की तरफ से उसको पेंट शर्ट गिफ्ट हुई, ग्लासेस वगैरह। उसके बाद ये मामा की तरफ से गिफ्ट खोल रहा है। मामा ने बिली को सूट गिफ्ट किया क्योंकि उसको पेंट शर्ट जो है बहुत ज़्यादा शौक है, पेंट शर्ट नई नई पहनने का। और एक सिस्टर ने उसको लंच बॉक्स गिफ्ट किया था। लंच बॉक्सेस इसके पास काफ़ी हैं, लेकिन फिर भी बच्चे को वो गिफ्ट देना चाहिए जो उसके काम भी आए। फिर एक सिस्टर ने स्टेशनरी बॉक्स इसको गिफ्ट किया।
और मैंने इसको परफ्यूम गिफ्ट किया था, जेंट्स परफ्यूम। और लास्ट में छोटी वाली सिस्टर ने इसको वॉच गिफ्ट की थी। वॉच इसने पहले भी काफ़ी पहनी है और इसको वॉचेस का भी बहुत ज़्यादा शौक है। सारी चीज़ें इसकी पसंद की थी। फिर उसके बाद लंच वगैरह से फ्री होकर हमने चाय पी। चाय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और मुझे तो बहुत ज़्यादा पसंद है। और बहुत ज़्यादा थकावट भी हो गई थी, बहुत ज़्यादा काम हमने सुबह से हम कर रहे थे, तो उसकी वजह से मामा और पापा के साथ मैं बैठकर थोड़ी गपशप कर रही थी और चाय पी रही थी। और थोड़ी थोड़ी सर्दी भी फील हो रही थी, आप देख सकते हैं। उम्मीद है आपको ये अमेजिंग सा व्लॉग बर्थडे सेलिब्रेशन का ज़रूर पसंद आया होगा। अगर आप मज़ीद इससे भी ज़्यादा एक्साइटिंग देखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब करें। तब तक के लिए